खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आगे का रास्ता उन पर छोड़ कर जा रहा हूं, जिन पर जिम्मेदारी है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि आगे का काम करता रहूंगा, आगे भी इसी तरह अपना कार्य करता रहूंगा। ये वो फेसबुक पोस्ट है जो हरीश रावत की तरफ से किया गया है, जिसमें साफ संकेत मिल रहे हैं कि हरीश रावत अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि हरीश रावत कांग्रेस छोड़ सकते हैं, ऐसे संकेत उन्होंने खुद इस फेसबुक पोस्ट में लिखे हैं। कहा कि जिम्मेदारी उन पर, जो जिम्मेदार हरीश रावत ने ये फेसबुक पोस्ट लिखा है, और आगे का रास्ता उन पर छोड़कर जा रहा, जिन पर जिम्मेदारी है, ये हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि आगे काम करता रहूंगा, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि हरीश रावत कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। फेसबुक पोस्ट से जहां उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल देखी जा रही है, हरीश रावत इससे पहले भी कई बार इस तरह के बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं, कभी संगठन को लेकर, कभी पार्टी की कार्यशैली को लेकर, और अब ये फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखा है। सीधा रुख करते हैं देहरादून का। हमारे सहयोगी विनोद कुमार इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पोस्ट के बाद आज का दिन, आज की सुबह किस तरीके से हलचल वाली होगी कांग्रेस खेमे से। विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी स्नेहलता जी, बिल्कुल। विनोद, बताएं कि इस पोस्ट को करने से पहले क्या लंबी चौड़ी तैयारी करी रही होगी हरीश रावत ने, या फिर अचानक से ये पोस्ट आया? क्या कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस चीज की भनक या फांप उन पे थी? बिल्कुल, देखिए हरीश रावत लगातार पहले भी इस तरीके के पोस्ट लिख चुके हैं कि जब वो राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, और इस पोस्ट को उन्होंने केवल इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि हरीश रावत अब लगभग करीब 77 साल की आयु में है और राजनीति से वो संन्यास लेने की भी बात इस पोस्ट में उजागर कर रहे हैं। हालांकि फेसबुक पोस्ट पर जिस तरीके से उन्होंने विश्राम करने की बात कही है और उत्तराखंडी बाहुल्य क्षेत्र में सेवा देने की बात कही है, तो राजनीति से संन्यास लेने की बात से ही जोड़कर इस पोस्ट को देखा जा रहा है। और जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस की जो रीति नीति है, उनसे ज़रूर बेहद नाखुश हरीश रावत देखने को मिल रहे हैं, और यही वजह है कि पूरी तरह से अब हरीश रावत ने जो पोस्ट लिखी है उसमें तमाम अपने दिल की और तमाम व्यथा को उजागर किया है, उनको व्यथा को लिखा है। लेकिन अब एक बार फिर से हरीश रावत की पोस्ट ने जरूर कांग्रेस संगठन में खलबली का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड की राजनीति से और तमाम जो जो राजनीति है उनसे वो दूर चले जाएंगे और विश्राम करेंगे, और साथ ही साथ दिल्ली में उत्तराखंडी बाहुल्य क्षेत्र में जाकर वो सेवा देंगे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए और अपने गाँव के लिए और जहाँ से वो ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं, यानी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। अपनी तमाम दिल की बात और तमाम व्यथा को उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर शेयर किया है, लेकिन एक बार फिर से हरीश रावत ने तमाम फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को उजागर किया है कि वो राजनीति से संन्यास लेंगे। फिर से हरीश रावत ने रखी है विनोद, और देखना होगा कि इस पर हाईकमान की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आती है, और इस पोस्ट के बाद कब तक फैसला लेते हैं हरीश रावत इससे संबंधित, अगर वे कुछ फैसला लेते हैं तो। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा विनोद, आगे भी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, एसआईटी की जांच में हत्या को का जो मोटिव है वो साफ हो चुका है। पुलकित और उसके दोनों मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने रिजॉर्ट और अपने राज को दबाने के लिए अंकिता को मौत के घाट उतारा था। इसकी पुष्टि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने किया है। एसआईटी की जांच के आधार पर ये बड़ी बात निकल करके सामने आई है कि अंकिता के पास बहुत सारे राज थे और वो खुल करके सामने ना आए, इस बात का डर था। एक प्रेसिडेंशियल सूट है, उसको जो भी उस पे ठहरता है उसको वीआईपी गेस्ट ये मानते हैं वहां पे रिसॉर्ट के एम्प्लॉइज। अब दूसरे है कि ये कोड आने वाले थे, उस पे क्या है कि ना उनके जो बात ये आ रही है हमारे सामने कि वो अपने मोटिव
को आगे कराने के लिए, अपना बात को आगे कराने के लिए उसको ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि ऐसे मनगढ़ंत अपना बात कह के कि भाई ये कल आने का परसों को एक पार्टी है उस पर भी आपको काम करना जैसे टाइप पे। पुलिस जांच के मुताबिक अंकिता भंडारी को मारने का मुख्य उद्देश्य यही था कि रिजॉर्ट में उस पर पुलकित अनैतिक कार्य करने का दबाव बना रहा था। जॉब के नाम पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस दी जा रही थी, जिसके लिए पुलकित ने अंकिता भंडारी को भी कहा था, लेकिन अंकिता भंडारी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही अंकिता भंडारी ने इसकी जानकारी अपने दोस्त पुष्प को भी दी थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये बताया गया कि पुलकित को डर था कि अंकिता भंडारी वहां से नौकरी छोड़ने वाली है और रिजॉर्ट में हो रहे सभी अनैतिक कार्य की पोल खोल देगी। इसी कारण पुलकित ने अपने दो मैनेजर्स सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को रास्ते से हटा दिया ताकि उनका राज बाहर ना आ सके। तो देखिए, एसआईटी को इस तरीके के पुख्ता सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह साबित हो चुका है कि अंकिता पर गलत काम कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा इन आरोपों को पुख्ता करने के लिए चार अहम गवाहों को कोर्ट में 164 के तहत उनके बयानों को दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिले। और चलिए अब आपको अंकिता भंडारी मर्डर मामले का पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहां से ये मामला उठा। 18 सितंबर की सुबह पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। 18 सितंबर की रात को पुलकित ने अंकिता को बाहर चलने के लिए कहा। इसके बाद 19 सितंबर को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलकित ने हत्या को गुमशुदगी में बदलने की पूरी प्लानिंग की थी। 22 सितंबर को अंकिता के परिजनों और जनता का प्रशासन पर दबाव बढ़ा। मामला राजस्व पुलिस से पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद 23 सितंबर को पुलिस का रिजॉर्ट के मालिक पुलकित पर संदेह बढ़ा। पुलकित और उसके दो मैनेजर्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अंकिता की हत्या का मामला सामने आने के बाद प्रदर्शन किए गए, तलाशने के लिए पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद ली और 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद कर लिया गया। 25 सितंबर को प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अंतिम संस्कार नहीं करने की बात परिजनों ने कही। परिजनों ने अंतिम संस्कार कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीएम धामी ने अंकिता के पिता को कार्रवाई का भरोसा दिया। 13 अक्टूबर को हत्या के मोटिव का खुलासा हुआ और पुलकित ने रिजॉर्ट का राज छिपाने के लिए हत्या की थी। अब ये साफ हो चुका है। और उधर देहरादून पहुंची मिस इंडिया अनुकृति देसाई ने अंकिता हत्याकांड को लेकर अफसोस जताया और सरकार से आरोपियों को फांसी सजा दिलाने की गुहार भी लगाई। अनुकृति ने कहा कि अगर उत्तराखंड की बेटी सुरक्षित नहीं होगी तो सरकार के दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में भर्ती घोटाले को लेकर भी अपनी बात रखी। दोषी पकड़े गए हैं, उनको वाकई सच बात है फांसी की सजा होनी चाहिए उनको और शीघ्र होनी चाहिए। उसमें डिले इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक उदाहरण बनना चाहिए उत्तराखंड के अंदर कि अगर उत्तराखंड की किसी बेटी के साथ इस तरीके की कोई घटना हुई है तो उसका उसका जो अंजाम है वो कितना बुरा हो सकता है। उस अंजाम को देखकर जो दूसरा व्यक्ति है कभी ऐसा कोई कृत्य करने से पहले हजार बार सोचे। युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है? एक तो पहले युवाओं की भर्तियां नहीं होती हैं, कई सालों तक उनको टाला जाता है और जब भर्तियां होती हैं तो उसमें घोटाले हो जाते हैं, उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। सबऑर्डिनेट कमीशन जिसको इतना ज्यादा तवज्जो देकर बच्चे सालों साल पढ़ाई करते हैं और जब उसके लिए उसके पेपर के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उस पेपर में घोटाला हो गया। तो आप सोचिए कि एक बच्चा जो पहाड़ के अंदर बैठ के तैयारी कर रहा है उसके साथ ये कितना बड़ा छलावा है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता विनोद का। विनोद, शुरुआत से जो आशंका थी जिस कारण को लगातार परिवार के लोग और इस रिजॉर्ट में काम करने वाले जो एक्स कर्मचारी थे उन्होंने भी बताया था, आखिरकार कहानी वही निकली? बिल्कुल आयुष्वी, देखिए जिस तरह से उस रिजॉर्ट में काम करने वाले पहले के कर्मचारी थे उन्होंने भी साफ तौर पर यही आरोप लगाया था कि उस रिजॉर्ट में अनैतिक कार्य होते थे। और कल पुलिस की जांच में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कानून व्यवस्था एडीजी हैं और वी मुरुगेशन, उन्होंने साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि रिजॉर्ट में जिस तरह से अनैतिक कार्य होते थे और उसके चलते पुलकित अंकिता पर यह दबाव अनैतिक कार्य करने के लिए बना रहा था, दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद में एक घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया और दोनों ने
तीनों लोगों ने यानी पुलकित, भास्कर और तमाम जितने भी वो तीनों लोग थे उन्होंने जाकर अंकिता को मौत के घाट उतारा। ये तमाम तथ्य हैं जो पुलिस की जांच में भी अभी सामने आए हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि अंकिता के पास में तमाम ऐसे रिजोर्ट को लेकर तो ऐसी जानकारी थी, ऐसे राज थे जो वो अगर खोलती तो तमाम उनका जो एक जो काला चिट्ठा था वो एक भंडा फोड़ हो सकता था और जिस तरह से उनका ये काम धंधा फल फूल रहा था, हालांकि अनैतिक कार्य करने की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही थी लेकिन अंकिता के पास में तमाम ऐसे राज थे जिसको वो खोल सकती थी, तो उसी को लेकर एक साजिश रचते हुए पुलकित ने उसको मौत के घाट उतारा। हालांकि इस पूरे मामले में भी जांच की जा रही है और जो SIT की हेड है पी रेणुका देगी, जो DIG है उत्तराखंड मुख्यालय में, अभी फिलहाल उसका साफ तौर पर कहना है कि अभी करीब 3 से 4 सप्ताह और लगेंगे जांच पूरी होने में, लेकिन साफ तौर पर अभी ये साफ हो गया है कि अंकिता को अगर मौत के घाट उतारा गया है तो अंकिता के पास में कहीं ऐसे सबूत थे जो रिजोर्ट को और सोचने पर मजबूर करती है। ऐसे कौन ऐसे हो सकता है वनंतरा जैसे कई और रिजोर्ट हो उत्तराखंड में, ये नजीर क्या पेश होगी और आने वाले वक्त में कौन कौन और इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, ये तमाम चीजें जांच के दायरे में आती है। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर रुड़की से, जहां भगवानपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान देखने को मिला है। कांग्रेस विधायक की बेटी के भाजपा ज्वाइन करने पर घमासान हुआ। कांग्रेस MLA ममता राकेश की बेटी ने भाजपा ज्वाइन की। पूर्व भाजपा विधायक देशराज की बेटी भी ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मैदान में है। भगवानपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव ने अब भाजपा की मुश्किल बढ़ा दी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भाजपा कैसे इस मुश्किल से निकलेगी। पूर्व भाजपा विधायक की बेटी पर दाव खेलेगी या फिर भाजपा में आई कांग्रेस विधायक की बेटी आयुषी को मौका दिया जाएगा। पूर्व बीजेपी विधायक देशराज की बेटी को मौका मिलेगा। भगवानपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव ने अब भाजपा की मुश्किल बढ़ा दी है, जिसमें अब फैसला लेना होगा कि आखिर क्या आगे किया जाए। रुड़की से खबर, भगवानपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर ये मुश्किल दिख रही है। भाजपा की कांग्रेस विधायक की बेटी भाजपा ज्वाइन करने पर ये पूरा मामला। कांग्रेस MLA ममता राकेश की बेटी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है और पूर्व बीजेपी विधायक की बेटी भी मैदान में है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत में अभी कोई सुधार नहीं है। आज उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। कल मेदांता अस्पताल ने बयान जारी कर बताया था कि मुलायम सिंह यादव क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं। उनका इलाज विशेषज्ञों की बड़ी टीम कर रही है। तो देखिए, सपा संरक्षक रविवार को अचानक उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें ICU में एडमिट किया गया, लेकिन उनकी सेहत में सुधार नहीं होता देख उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया। मुलायम सिंह यादव खराब सेहत के चलते गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में कई दिनों से भर्ती हैं। डॉक्टर्स की टीम है, एक पूरा पैनल है जो उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन कल तक पूरे दिन की अगर आप बात करें तो ये खबर जरूर आई थी कि BP और जो परेशानियां हैं वो थोड़ा ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर किया जा रहा है, वो कंट्रोल में है। लेकिन शाम के हेल्थ बुलेटिन में यही बताया गया कि अभी भी उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में ही रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के दुआओं का दौर जारी है। आप देखिए, इन 4 तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, भावुक हो गए जब सांसद शफीकुर रहमान बर्क, क्योंकि नेताजी से हर किसी के कहीं ना कहीं करीबी रिश्ते हैं, जो समाजवाद की जड़ें और एक बड़ा मजबूत पेड़ बनकर के उन्होंने छांव दिया है तमाम नेताओं को, वो नेता आज दुआ कर रहे हैं। देखिए, जगह जगह की तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं कि संरक्षक की भूमिका में वो थे और हर एक समाजवादी को लगता था कि एक मजबूत पेड़ के नीचे वो बैठे हैं जिसकी छांव में वो हमेशा सुरक्षित है। देखिए, देवरिया में हवन पूजन हुआ, साधु संतों ने हवन पूजन किया। वाराणसी के 80 घाट पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से लोगों ने नवरात्र के मौके पर हर तरीके की पूजा पाठ की, रामायण का पाठ कहीं शुरू है। तो कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी ने मखदूम शाह बाबा के दर पर मत्था टेका, दुआ मांगी। और चलिए सीधा गुरुग्राम के वेदांता का रुख करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, बताएं कि आज जो हेल्थ बुलेटिन मुलायम सिंह यादव का जारी किया जाना है अस्पताल की तरफ से, क्या अपडेट है इसे लेकर?
देखिए, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो मेदांता की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा उसमें क्या कोई सुधार है या उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनसे थोड़ी देर बाद पर्दा उठ जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो धरती पुत्र मुलायम सिंह हैं उनकी जल्द कुशलक्षेम के लिए, उनको जल्द स्वस्थ होने के लिए जगह जगह दुआओं का दौर चला है, जगह जगह जो प्रार्थना है वो वहाँ पर की जा रही है। हालाँकि अभी मुलायम सिंह यादव क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं, उनकी सेहत में थोड़ी देर के लिए सुधार हुआ था, बताया गया था कि बीपी है, तमाम चीज़ें नॉर्मल आई हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब जानकारी मिलती है तो कि उनकी जो तबीयत है वो स्थिर बनी हुई है। पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में दुआओं का दौर चल रहा है, तमाम वीवीआईपीज़ की अगर बात करें तो वो लगातार मेदांता में आ रहे हैं, उनका कुशलक्षेम जा रहे हैं, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो नेताजी हैं वो स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होकर वो लौट आएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, नेताजी के लिए कहा जाता है कि चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, उनके सभी से नज़दीकी रिश्ते हैं, सभी से दिलों के रिश्ते हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नेताजी से कोई गुरु उसने ऐसा है कि कोई गुरु ना सीखा हो। तो एक बड़े नेता के तौर पर मुलायम सिंह यादव की गिनती होती है, लोग जानते हैं कि किस तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं कि जिन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें क्या कह देते हैं कि उन्हें फर्श से उठाकर अर्श तक पहुँचाने में नेताजी का बड़ा योग रहा है। आज वो यहाँ मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत नासाज है, ये बताई जा रही है। लगातार लोगों के जो फोन है वो घनघन आ रहे हैं, लोग लगातार यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर भी आ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे बड़े नेताओं की बात हो, चाहे आसपास के जो लोगों हैं उनकी बात हो, जो भी आ रहा है वो मेदांता अस्पताल में रुक के बस यही जानकारी लेकर जा रहा है कि नेताजी की तबीयत कैसी है, नेताजी की तबीयत में कितना सुधार है, क्या नेताजी कब तक घर लौटेंगे, कितनी उनकी तबीयत अब ठीक हुई है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब अब जब हेल्थ बुलेटिन जारी होगा तब उसके बाद मिल जाएगा। लेकिन ऐसी बात जरूर है कि देखिए, धरती पुत्र मुलायम सिंह ये जब नारा लगा करता था, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ी जो नेताजी की खासियत है वो नेताओं में बहुत ही कम देखने को मिलती है। एक मेरठ का मैं किस्सा नेताजी का बता देता हूं कि मेरठ के जिमखाना मैदान में नेताजी जब रैली करने आए थे, तो रैली करने के दौरान जो तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जिनको नेताजी ने फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाया था, और वो लोग जब दर्शक दीर्घा में बैठ गए थे, तो तमाम ऐसे लोग थे कि जिनको नेताजी नाम से जानते थे, नाम देकर उन लोगों को वहां से बुलाया। तो एक सबसे बड़ी जो कहते हैं कि एक सबसे बड़ी नेताजी की खासियत थी वो ये थी कि अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा नाम से जानते थे, किस जगह के रहने वाले हैं, मान लीजिए मेरठ से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, शामली से हैं, बागपत से हैं, अलीगढ़ से हैं, सबको नाम से जानते थे, सबको नाम से बुला लेते थे। और कभी किसी को नेताजी के लिए कहा जाता है कि अगर कोई नेताजी के पास जाता था तो खाली हाथ नहीं किसी को लौटाया जाता था, जिस जो भी कहता था नेताजी इस बार मेरा नंबर, नेताजी इस बार, तो कभी किसी को वो नहीं थे। तो इसलिए जो तमाम लोग हैं वो दुआएं कर रहे हैं, चाहे विपक्षी पार्टियों की बात हो, वो लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, लगातार उनके कुशलक्षेम जान रहे हैं। तमाम चाहे कांग्रेस की बात हो, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो यहां पर आ जा भी रहे हैं, मुलाकात करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से डॉक्टर से मुलाकात हो जाए, उनके हेल्थ के बारे में जानकारी मिल जाए। तो अब जो हेल्थ बुलेटिन जारी होगा उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि कल से और आज तक कितनी चीजें बेहतर हुई। लगातार दिखा रहे हैं कि जो उनके प्रति स्नेह और चिंता है लोगों की, आम से लेकर खास तक के बड़े बड़े नेता हो या फिर आम जन हो, कोई हवन कर रहा है, कोई महामृत्युंजय जाप कर रहा है, उनके अच्छे स्वास्थ्य को लेकर ही। सनुज, ये बताइए, अस्पताल में इस वक्त कौन कौन परिवार के लोग मौजूद हैं? कल हमने देखा कि कई कल सियासी लोग आए थे उनका हालचाल जानने के लिए, आज कौन कौन आ सकता है? देखिए, लगातार जो वीवीआईपीज हैं उनका लगातार आना जाना यहाँ पर जारी है। अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, तमाम लोग यहाँ पर आए थे, नेताजी का कुशलक्षेम जाना था, लोगों से बातचीत भी करी थी, लोगों से यहाँ पर मुलाकात भी करी थी। और तमाम बड़े बड़े नेताओं का जो जमावड़ा है वो आज यहाँ लग सकता है, बड़े बड़े लोग हैं वो नेताजी से आज यहाँ कुशलक्षेम जानने के लिए आ सकते हैं। अभी कुछ लोग जो कुछ कार्यकर्ता हैं जैसे तैसे यहाँ पहुँचे थे, उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद उनको अंदर एंट्री दे दी गई है। वो भी बस ये चाहते हैं कि एक अपने जनप्रिय नेता कि एक वो तस्वीर देख लें, एक झलक देख लें कि नेताजी कैसे हैं, नेताजी की हालत में कितना सुधार है। चूंकि वो क्रिटिकल केयर यूनिट में है और क्रिटिकल केयर यूनिट के बाद उनकी स्थिति और उनकी हालत में कितना सुधार हुआ है, ये जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा तब उसके बाद जो तस्वीर है वो यहां पर साफ होगी। और कई बड़े जो लोग हैं वो भी यहां पर आ सकते हैं। नेताजी के प्रति देखिए, लोगों के मन में एक स्नेह है, एक उनके उनको लेकर एक मन में ऐसे भाव हैं जो कम ही नेताओं में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नेता जब बीमार हो या उसको कहीं ना कहीं कोई
कोई परेशानी, तो ऐसे में दुआओं के लिए हाथ उठ जाते हैं। कहीं हवन पूजन किए जा रहे हैं, कहीं मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, कहीं लोग जगह जगह जा रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जल्दी से नेताजी को स्वस्थ कर दे, जल्दी से हमारे धरती पुत्र को स्वस्थ कर दे, जल्दी से वो हम लोगों के बीच आए। चूंकि नेताजी के लिए कहा जाता है कि वो क्या कहते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से गुस्सा करते हैं कि लोगों को हंसी आ जाती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, प्यार और गुस्सा समझ में नहीं आता है कि कई बार नेताजी जब गुस्सा नहीं है बल्कि वो स्वभाव से भी इतने ही मुलायम है और यही प्यार से दिख रहा है इस वक्त पूरे देश से आ रही तस्वीरों में। और उनका स्वास्थ्य जल्दी ही बेहतर हो यही दुआ की जा रही है और उसके लिए फिर से आपका रुख करेंगे सनुज, फिलहाल के लिए शुक्रिया। और आज अश्विनी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, मंगलवार को नवरात्र का नवा दिन है, यानी आज महानवमी पूजन है। आज के दिन माँ दुर्गा के नवे रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देखिए मान्यता ये है कि माँ दुर्गा के नवे रूप मान सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा पाठ अगर कर ली जाए तो भय शोक और रोग से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक नवमी 3 अक्टूबर मंगलवार शाम 4:30 बजे तक, आज दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज लोग 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं की पूजा करते हैं, इसके लिए 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। फल अलग अलग मिलते हैं, विधि विधान से लोग नवमी पूजते हैं। और देखिए हर जगह के अपने थोड़े अलग अलग रीति रिवाज हों, लेकिन भावना यही रहती है माँ सिद्धिदात्री से आशीर्वाद प्राप्त कर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।